हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम एक चला फार्म हाउस पे जो स्पेशली फिश फार्मिंग में गोपालगंज जिले में आते हैं वो नंबर वन पे, वो बिहार में कई जगह जिलों में कई जिलों में अपने सीड्स और फीडिंग के लिए सबसे मशहूर है। दोस्तों उनके पास हर प्रकार के फीड और सीड्स अवेलेबल होता है, और चलिए उनके पास चलते हैं और कैसे फार्मिंग करते हैं, क्या क्या उनके पास टेक्निक है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा, दोस्तों इस चैनल पर आएगा फार्मिंग से रिलेटेड, और फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी सरकारी योजना आती है सारा चीज़ें इस चैनल पर बताया जाता है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अभी उनके तालाब में कुछ फिश हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, तो कितने लाइन में हुआ है, कितने दिन में हुआ है और कितने दिन में बेचने योग्य हो जाती है, कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी उनका फार्म हाउस पर आ चुका है, देख सकते हैं दोस्तों उनका फार्म हाउस का कुछ इस टाइप का सेटिंग होता है। अभी 30 एकड़ में उनका तालाब फैला हुआ है, जिसके अंदर उसमें सारी तरह के मछलियाँ को फार्मिंग करते हैं। तभी देख सकते हैं दोस्तों उनका तालाब का ये फुटेज है। अभी उनके तालाब पे नैनी कतला रोहू और सारी फिश का हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो आपको दिखाएंगे। दोस्तों हार्वेस्टिंग करते समय देख सकते हैं इसमें कई सारे मेडिसिन का छिड़काव करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का छिड़काव इसलिए करते हैं कि कोई तरह का फंगस जो छोटी मछलियाँ है वो उसको वापस छोड़ा जाता है, जो बड़ी मछलियाँ उसको निकाल लिया जाता है, तो उन मछलियों में कोई तरह का फंगस ना आए, इस प्रकार के हार्वेस्टिंग करते समय मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे तो इसमें नई नई फिश का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार का मछलियाँ है जो इसका बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ है, करीब 6 महीने के अंदर इन सब मछलियों का ग्रोथ इतना जल्दी इस साइज का हो चुकी है। ये देख सकते हैं पांगासी है, जिसे प्यासी हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में कहते हैं। इसका ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 से 7 kg तक का पांगासियस का साइज है, और कुछ छोटे साइज का भी पांगासियस है जो आपके 6 महीने के अंदर ही इस लाइन तक आ जाती है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें रोहू कतला और कई सारे फिश का भी हार्वेस्टिंग चल रहा है, जो अभी तालाब को खाली कर किया जा रहा है तो दूसरे तालाब में इसको शिफ्ट किया जाता है। इसका खास रीज़न है कि इसमें ज़्यादा मछली हो चुकी है, इस कारण से इस सब में जिंदा मछली को रखा जाता है और व्यापारी से तोला जाता है, तालाब से निकाल कर इसमें रखा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कितना फ्रेश मछली है, कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, और ये बिकेट सिल्वर और पॉपलेट जिसे हमारे यहाँ रूपचंदा के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ये सारी मछलियों का वेटिंग किया जाता है। देख सकते हैं बिकेट फिश का कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, ये करीब 6 से 7 महीने में इन सब मछलियों का ग्रोथ इतना साइज का हुआ है। ये देख सकते दोस्तों फिटिंग के टाइम का है, पांगासी फिश का तालाब है, इसमें सिर्फ स्पेशली पांगासियस रखा जा रहा है। देख सकते दोस्तों कितना बढ़िया इन सब मछलियों का ग्रोथ हुआ है और कितना ज़्यादा मछली है इस तालाब में, इसी मछली से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा तालाब हो सकता है। दोस्तों ये हर तालाब में इसमें इनके पास किट होता है जो पानी को जांच किया जाता है कि किस तरह का पानी है, अमोनिया ठीक है, पीएच ठीक है, इसके अनुसार से सभी मेडिसिन दिया जाता है। अगर पानी में कोई तरह की दिक्कत होती है तो इनके टेक्नीशियन और जांच करके सभी मछली को बताते हैं कि कौन कौन से तालाब में क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सब के लिए देख सकते हैं मेडिसिन भी दिया जाता है, उसका छिड़काव किया जा रहा है। कोई भी तरह का फंगस आ जाए, कोई भी तरह के पानी में दिक्कत आ जाता है तो तुरंत पानी को जांच किया जाता है, जांच करके उसको मेडिसिन होता है सभी दिया जाता है। जैसे फीडिंग किया जा रहा है, इसमें रोहू का और कतला कॉमन का ही तालाब है, इसमें रोहू और कतला कॉमन यही सारा फिश है। जैसे दोस्तों स्पेशली इसमें कॉमन है, तो इन सब का दाना दिया जा रहा है, तो ये सब दाना है ज़्यादातर ये कारगिल फीड यूज करते हैं, इनके पास हर लाइन तक का ये दाना अवेलेबल होता है। अगर आप 4 mm 5 mm जितना mm तक का दाना चाहिए इनके पास सभी प्रकार का दाना अवेलेबल होता है, तब इनके पास भी दाना सीड्स मेडिसिन और हर तरह का मछली संबंधित आपका उनके पास चीज़ें मिल जाएगी। तो ये खुद फार्मिंग करते हैं और इनके पास भी सेल भी होता है, तो देख सकते दोस्तों ये पॉपुलेट का तालाब है, इसमें स्पेशली पॉपुलेट है जिसे हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में रूपचंदा का नाम जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ये रूपचंदा का तालाब है, जिसमें स्पेशली इसमें रूपचंदा का ही पालन किया गया है जो छोटी लाइन का है, इसमें 300 से 700 लाइन तक का इसमें पॉपुलेट है जिसे रूपचंदा भी कहते हैं। देख सकते दोस्तों अगर आपको सीड्स भी चाहिए तो इनके पास सीड भी अवेलेबल होता है। ये देख रहे हैं दोस्तों ये पांगासियस जिसे प्यासी के हमारे यहाँ नाम से जाना जाता है, इसका भी सीड्स अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, इन पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए फिश संबंधित इस पर कॉल कर लीजिए। देख सकते दोस्तों ये पॉपुलेट का है जो 700 से 800 लाइन तक का है, ये भी आप उनके पास अवेलेबल है, हर लाइन तक का इनके पास सीड्स अभी अवेलेबल होता है जो
सारी मछलियों का सीड्स इनके पास अवेलेबल होता है। जैसे दोस्तों ये दूसरे तालाब में शिफ्ट किया जा रहा है, ये पांगासियस का सीड है। दोस्तों आप वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल का शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर फार्मेसी रिलेटेड और कोई भी सरकारी योजना आती है सारी चीज इस चैनल पर बताया जाता है। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, स्पेशली फिश फार्मर जिम करते हैं उनको तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कहां से देख रहे हो जरूर बताएं। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो। जय जवान।